चलो चल के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी माँ। ये क्या रे, आखिर क्या हो गया तुझे, क्यों भूख नहीं है? देखिए जी, इसे खाना खाकर 3 दिन हो गए हैं, खाना ही नहीं खाता है। मुख्यमंत्री साहब को खाना खाए हुए 3 दिन हो गए, यानी उनके लिए भूखा रहेगा? हमें खाना देने वाले किसान भूखे रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? अरे तू अनशन करे, राजनीति करे, नेताओं के साथ घूमे, इसलिए मैंने तुम्हें मेहनत करके नहीं पढ़ाया है। अरे तुझे राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है, ये राजनेता लोग तुझे इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ा सके, इसलिए मैं जिंदगी भर प्यून बनकर जीता रहा हूँ। तू मेरी तरह ना बने इसीलिए मैं तड़पता रहा हूँ। ए तू मेरी बात सुन, ऐसा मत कर, ये राजनीति अच्छी बात नहीं है। आपकी तरह हर कोई राजनीति से भागेगा तो लोगों का भला कैसे होगा पापा? आपने लोगों का भला करने के लिए ही तो मुझे लॉ पढ़ाया है ना, किसी भी तरह भला होना चाहिए पापा। लेकिन पापा मेहरबानी करके इस बारे में और कुछ मत कहिए प्लीज। मैं कोई काम शुरू ही नहीं करता, और करता हूं तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। साहब आपने एक सोचा तो एक हो गया, किसानों की प्रॉब्लम से उनकी कुर्सी गिराने का आप सोचे, और आमरण अनशन करके स्टेट की सिंपैथी उसने मार ली। केंद्र में अगर उसकी सरकार आई तो उसे कुर्सी से उतारना तो बहुत दूर की बात है, उसकी चप्पल भी नहीं उतार पाओगे। चुप कर यार। सर वो सच कह रहा है सर। देखो तूफान आने पर पेड़ गिरते हैं, वायलेंस होने पर सरकारें पलट जाती हैं। वैसे पलटने के लिए तुम तुरंत जाकर नागा से मिलो, बाकी सारा काम गुरु संभाल लेगा। नागा क्या यार तुम लोग ऐसे रोड पर घूम रहे हो? अगर तुम इस तरह से ऐसे मुंह बंद करके बैठ गए तो सीएम साहब मर जाएंगे। अरे ट्रेनें रोककर बसों को जलाकर लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट किया तो ही वो वहां से उठेंगे। ये क्या कह रहे हो, सीएम साहब ने ही तो हमें शांति बनाए रखने के लिए कहा है। ओहो तुम राजनीति को नहीं जानते, वो अगर ना कहे तो इसका मतलब हाँ होता है। किसी भी समस्या के हल के लिए लड़ना पड़ता है, अगर हम लड़ते ही नहीं तो अपने देश को आजादी कहाँ से मिलती, भारत में क्रांति कैसे फैलती? सीएम साहब की जान बचाने के लिए हमें जो राह अपनानी है वो साइलेंस नहीं वायलेंस है। सर आने वाली ट्रेन को यहीं रोक दीजिए, इस स्टेशन पे उस गाड़ी का स्टॉप नहीं है। किसानों के लिए आमरण अनशन कर रहे सीएम साहब मौत से जूझ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बंद का आयोजन कर रहे हैं, इस गाड़ी को यहीं रोकना होगा। सॉरी सर उस गाड़ी को रोकने का अधिकार मेरे पास नहीं है। तो इस गाड़ी को कैसे रोकना है हम बताते हैं, चलो रे चलो। बंद करना ही होगा, मुख्यमंत्री की जान, 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 मुख्यमंत्री की जान। चलो रे उस बस को रोको, रुक रहे स्टूडेंट्स बसें चला रहे हैं।
रास्ते जाम कर रहे हैं, ट्रेनों को रोक रहे हैं, सरकारी संपत्ति बर्बाद हो रही है, लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस छुड़वाया, शूटेड साइड ऑर्डर देने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। नागा, नागा, बाहर पुलिस फायरिंग कर रही है, बहुत सारे लोग मारे गए। सर, अगर आप लोगों ने फायरिंग नहीं रोकी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, उसके बाद बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। ये क्या कर दिया यार तूने? उस राजू को मार दूंगा बोल के उसके बाप को मार डाला। वो मरा तो युवा बिगड़ जाएंगे, लॉ ऑर्डर में प्रॉब्लम हो जाएगी, सीएम को बदल देंगे। सोचा था उसे मारने के लिए तो ट्राई किया था सर, मिस्टेक से उसका बाप मर गया। जो भी हो तुम जरा संभल कर रहना, उसे बात पता चली तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ठीक है सर, मैं डेफिनेटली करूंगा सर। ओके सर, श्योरली। नमस्ते सर। सर, नागा की जमानत के लिए आए हैं सर। जमानत पर नहीं छोड़ सकता। नागा यूथ लीडर है, ये बात सीएम को पता चली तो क्या होगा जानते हो? जानता हूं बेटा, सीएम ऑफिस से फोन आया है, उन्होंने मना कर दिया है। सर प्लीज सर, उसके पिता का अंतिम संस्कार करना है, दूसरा कोई भी नहीं है सर। नो, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, तुम लोगों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं, कोर्ट में सबमिट करने तक मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यू कैन गो। सूर्यदेव नागराजु, सूर्यदेव नागराजु। कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं, उसकी वजह तुम ही हो, यह आरोप तुम पर लगा है। उसकी वजह मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश से ही मैंने ये सब किया है, लेकिन इतने लोगों की जान जाएगी, ऐसा होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने सच में करने के लिए कहा था? आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री देंगे। अदालत आरोपी नागराजू को और उसके साथियों को 10 दिन तक कस्टडी में रखने का आदेश देती है और मुख्यमंत्री जी को समन जारी करती है। नागा को, 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 नागा
उस तरफ नागा ने जो कोर्ट में कहा था वो सच है? स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार कौन है सर? नागा जी ने जो कोर्ट में कहा वो सच है सर? बोलिए सर, बोलिए। नो सर, नागा को रिहा करवाने के लिए स्टेट के सारे स्टूडेंट्स यूनियन आंदोलन करवा रहे हैं सर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नागा की गिरफ्तारी को लेकर अपोजिशन पार्टी वाले बहुत बड़ा प्लान रच रहे हैं सर। उसे जमानत पर रिहा करवा करके मेरे पास लेकर आओ। सर, नागा गया। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व होता था। आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस बात पर मुझे भी बड़ा फक्र था सर। मैंने सोचा था युवाओं के तुम आदर्श बनोगे, और मैं सोचता था कि आप युवाओं के लिए आशा की किरण। ये क्या तुम इस तरह से जवाब दे रहे हो? कोर्ट भी आरोपी को ये इजाजत देता है कि वो अपने सवालों के जवाब पा सके। लीडर बना दिया तो तुम्हें घमंड आ गया? जेल होकर आया हूँ सर, वहाँ का अनाज खाते ही यहाँ नहीं सर, यहाँ चल रहा है। किस लिए? गलती तो तुमने की है ना? करवाने वाले तो आप ही थे ना? मैंने करवाया? जगदीश ने मुझसे कहा था कि आपने करने के लिए कहा है। तुमने कहा? कहा था सर। मैंने ऐसा कब कहा था? सर, आपको कुछ होने जाए इसलिए मैंने इन्हें ऐसा करने को कहा था। तो इसके लिए तुम झूठ बोलोगे? आई एम सॉरी सर। लेकिन नागा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? तुम तो मेरा कैरेक्टर जानते हो, अब तुम्हारा भविष्य क्या होगा तुम जानते हो? क्या अब भी मेरा कोई भविष्य है सर? मैंने अपने पिता को खो दिया है सर, उनकी शक्ल तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन बिना सिंदूर के मेरी माँ कैसी लगेगी मुझे देखना पड़ेगा सर। कन्यादान करने के लिए मेरे पिताजी क्यों नहीं है? जब मेरी बहन पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा सर, क्या जवाब दूंगा? मत करना, तू कभी राजनीति मत करना बेटा, ये कह कह कर सुबह से शाम कर देने वाले मेरे पिताजी हमेशा के लिए सो गए हैं सर। नहीं सर, नहीं सर, आपको और आपकी राजनीति को मेरा नमस्कार सर, नहीं करना, मुझे आम जिंदगी जीने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज।